कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉक है। वहीं राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी सरकारी सहायता के गरीबों के लिए मददगार बने हुए हैं। सरस्वती अपार्टमेंट में रहने वाले पेशे से पत्रकार संजय शर्मा और यहां रहने वाले लोग व्यक्तिगत खर्चे से बिना शासन प्रशासन के सहयोग के गरीबों को खाना खिला रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अब तक एक महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान वो लगातार लोगों को खाना खिला रहे हैं। इस दौरान वो 600 से 700 से ज़्यादा पैकेट खाना गरीबों में बांट रहे हैं। दो बजे अखबार खत्म हो जाता है। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसी दिन सब पत्रकारों ने देखा कि सड़कों पर हजारों आदमी निकल चुका था, पैदल जा रहे थे लोग, खाने का नहीं था, पीने का नहीं था। तो एक आइडिया आया कि हम लोग अपनी सोसाइटी के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग 5-5 पराठे का पैकेट बना के दे दीजिए, मैं उनको जाके दे आऊँ। तो पहले दिन 500 पैकेट आए। तो ये हुआ कि इसको बड़े पैमाने पे किया जाए। तो शेखर भाई हैं, आलोक जी हैं, अर्चना जी हैं, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग अपने अपार्टमेंट के नीचे ही एक पहल शुरू करते हैं। एक हलवाई का इंतजाम किया गया जो खाना बना दे, कहीं से आटा, कहीं से राशन ला के कढ़ाई वढ़ाई सब इकट्ठा करके हम लोगों ने ये किचन शुरू करी। पूरी सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों का एक साझा प्रयास, सरस्वती अपार्टमेंट के लोगों का साझा प्रयास था। अब तक लगभग 20,000 पैकेट हम लोग बांट चुके।